अलजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस केस का फैसला आ गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अलजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा 10 साल के लिए नाहल करार दे दिया गया। फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया गया। उधर मुल्तान के इलाके शमसाबाद में लीगी कारकुनान ने फैसला बड़ी स्क्रीन पर सुना। कारकुनान में मायूसी की लहर। आजम के आबाई इलाके में इंसान जानवरों के साथ पानी पीने पर मजबूर। मियांवाली की तहसील ईसा खेल के इलाके खटक बेल्ट में साफ पानी नायाब। कयाम पाकिस्तान से अब तक लोग टोबों का पानी पीते हैं। अवाम का हुकूमत से साफ पानी फराहम करने का मुतालबा। गंदे पानी की जोड़ों और तालाबों का पानी पीने पर मजबूर है। हमारी औरतें और बच्चे घर से दूर 4-5 किलोमीटर दूर पानी भरने पर मजबूर है। तमाम स्कूल में जाकर फिर घर में आते हैं तो मुझे पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, हम फिर भी पानी भरते हैं। हमारी इमरान खान से अपील है कि वो हमारे इस नए पाकिस्तान में हमारे लिए पानी फराहम करे। इमरान खान का नाम पाकिस्तान बनाया है तो हमारा ये उम्मीद है कि जो है हमारे के लिए पानी का सहूलत पैदा करे। जनूबी पंजाब में सुबह सवेरे शदीद धुंध के बायस हादसा। बहावलपुर में 4 मुख्तलिफ हादसात में दर्जन भर गाड़ियां आपस में टकरा गई। 18 से ज्यादा अफराद जख्मी, जबकि चिश्तिया में भी मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गई। मुतासरीन को बहावल विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नेवाल में धुंध के बायस हादसा। पुलिस वैन की ट्रॉलर और कैरी डब्बे की बस से टक्कर, 5 पुलिस अहलकार जख्मी हो गए, जबकि बूरेवाला में मुसाफिर वैन और ट्रक में टक्कर से 5 अफराद जख्मी हुए। मुतासरीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान से कुंदिया आने वाली माल बरदार ट्रेन को हादसा। अलूवाली के करीब 12 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसा ट्रैक टूटने की वजह से पेश आया। गाड़ियों की आमोदरफ मौतल, इमदादी अमले की जानिब से काम जारी। और गैर मयारी अशिया डबल कीमत। बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर मुनाफाखोरों की लूटमार जारी। 22 रुपए रिटेल वाला पानी 45 रुपए में फरोख्त। टेस्ट करने पर पानी गैर मयारी निकला। रेलवे से सफर करने वाले मुसाफिर परेशान।